So, students, this is lecture number 20 of first chapter, some basic concepts of chemistry of plus one class. तो यहाँ आज मैं आपसे कुछ important laws discuss करने जा रहा हूँ. देखिए, chemistry का जो most important एस्पेक्ट है वो है केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस का मतलब कैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं जिनकी केमिकल नेचर डिफरेंट है. ओके, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉस. तो वो कौन कौन से लॉज हैं जिनसे हम केमिकल रिएक्शंस को प्रॉपरली सीखते हैं, वो लॉज आज हम इस क्लास में समझने जा रहे हैं. तो यहां पांच लॉज की मैं बात करूंगा. पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास. थर्ड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. जो फिफ्थ है वो नॉर्मली गैसेस के लिए अप्लाई किया जाता है, और दैट इज गे-ल्यूसैक लॉ. ओके, तो हम पहले लॉ से अपनी बात शुरू करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करता हूं. जैसे ये जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो ये फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन दोनों में अप्लाई होना है. जैसे आपके पास आइस है, मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम आइस है. ओके, ये एक फिजिकल स्टेट है, मैटर का स्टेट है. आइस से पिघलने के बाद वाटर बनना लिक्विड स्टेट में, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, राइट? अगर मेरे पास 10 ग्राम आइस है तो जब वो मेल्ट करेगा, राइट, देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट. तो 10 ग्राम आइस मेल्ट किया तो 10 ग्राम वाटर ही आएगा, 9 ग्राम तो रह नहीं जाएगा, 11 ग्राम तो रह नहीं जाएगा. तो इसी तरह अगर मैं वाटर लिक्विड को इवेपोरेट कर देता हूं, फिर क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लिक्विड से गैशियस कंपोनेंट चला गया. तो क्या होगा अगर मैं 10 ग्राम वाटर को इवेपोरेट करता हूं, सभी कंडीशंस को प्रॉपरली मेंटेन करता हूं, तो 10 ग्राम वाटर वेपर्स ही होंगे. ओके, चलिए अब इसको केमिकल प्रोसेस पे लेते हैं. मैं मीथेन गैस की कंबस्शन, जो एक बहुत सिंपल उदाहरण है, की बात करता हूं. CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2 वाटर लिक्विड. तो रिएक्टेंट्स क्या है जो रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद जो बन रहा है दैट इज प्रोडक्ट. अब अगर हम इसको, इस इक्वेशन को यहां से देखते हैं, ओके, तो क्या नजर आ रहा है, एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है. तो जरा सोचिए, जो कार्बन यहां थी वो इधर आ गए, इधर हाइड्रोजन चार है, इधर चार है, इधर ऑक्सीजन चार है, इधर भी चार है. तो जो रिएक्टेंट था वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना गया. तो जितना आपने रिएक्टेंट लिया है, राइट, जिस प्रोपोर्शन में लिया है, ओके, जैसे चलो इस प्रोपोर्शन को समझते हैं. अगर मीथेन का एक मोल यूज करें, एक मोल, तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज करेंगे, दो. तो जब इसका एक मोल इसके दो मोल से रिएक्ट करता है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. हमारी जो केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन से होती है. तो ये कितने मोल बना, एक मोल. ये कितना बना,
दो मोल। ओके, इसको और ध्यान से सुनिए, इसके एक मोल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है। ओके, इसके दो मोल का मास 2 × 32 64 ग्राम। ओके, ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एक मोल दो मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ओके, एक मोल मीथेन दो मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये 16 ग्राम है, तो ये आपका 64 ग्राम है। टोटल भाग कितना हो गया? 80 ग्राम। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ओके, तो इसका एक मोल बनेगा, दैट इज 44 ग्राम। ये कितना बना? दो मोल 36 ग्राम। अब आप देख सकते हैं इसको ऐड करिए तो कितना बना? 80 ग्राम। सो अब आप इसको फील करिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है वो ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, एंड विच इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज, सर्टेन रूल्स, उन रूल्स की हम बात यहां कर रहे हैं। तो इसी बात को मैं इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। ये एंटोनी लेवाइजर ने दिया था, बहुत पुरानी बात है और बहुत सिंपल बात है, बट नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ये मैटर जो है, पदार्थ जो है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, खत्म ना होने वाला है, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैटर कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। ये भी आपने देखा, ये 80 ग्राम है, तो ये रिएक्शन के बाद 80 ग्राम ही रहेगा। और अगर हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शंस पे अप्लाई करें, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, और उनमें कुछ पार्ट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है इस लॉ का, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहते हैं। कि कुछ पार्ट मास का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बट टोटल मास एंड एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। सो द मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, बट द टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। चलिए, इस बात को समझने के लिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ AgCl एंड 8.5 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। मैंने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाने के लिए सिंपल सा एग्जांपल दिया है। देखिए, ये एक ट्यूब बनी हुई है, इसको हम लेडॉल्स ट्यूब कहते हैं। इसमें क्या किया गया, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसके दो लिम्ब्स बने, एक लिम्ब में NaCl सॉल्यूशन है, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसी के साथ मैच करती है, इसीलिए यहां से मैं बात पिक कर रहा हूं। तो ये सिचुएशन बिफोर रिएक्शन की, इसको वे कर लीजिए। ओके, मान लीजिए, चलो मैं यहीं से चलता हूं। मेरे पास 5.85 ग्राम NaCl सॉल्यूशन है एंड 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है।
ओके, ये 5.85, ये 17, तो कितना बन गया 22.85 बन गया, दिस इज 22.85 ग्राम। यहां मैं कैलकुलेशन थोड़ा ठीक कर देता हूं, ये लीजिए। ओके, तो बिफोर रिएक्शन इसका टोटल भार 5.85 ग्राम NaCl एंड 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है, टोटल 22.85 ग्राम बन गया। अब ऐसा करिए, इसको शेक करिए, हिलाइए ताकि सॉल्यूशन मिक्स हो, रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। देखिए इसका क्लोराइड बन गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। सिल्वर क्लोराइड पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। अब आप सोचिए, बिफोर रिएक्शन इसका भार जो था वो 22.85 ग्राम्स था, क्या आप रिएक्शन के बाद वो भार बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, वही कंपोनेंट रेट किए हैं, ओके, रेट करके उन्हीं कंपोनेंट का प्रोडक्ट बना है, तो भार कैसे चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब अगर बिफोर रिएक्शन भार 22.85 था, आफ्टर रिएक्शन भी भार 22.85 ही रहेगा। ओके, सो इसका मतलब मुझे इसका भार दिया था, इसका भार दिया था, इसका टोटल मास बनता था 22.85 ग्राम्स। NaCl का भार दिया हुआ था 5.85 ग्राम्स, ये मुझे निकालना था सम के हिसाब से। तो वो अब आप सम की मैं बात कर रहा हूं, 22.85 है, ये 5.85 है, 22.85 में से 5.85 निकालिए कितना होता है 17 ग्राम्स, दैट इज योर आंसर। कि मैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा हूं, इसको और अच्छे वे से सीख सकते हैं। NaCl का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 58.5 ग्राम, सिल्वर नाइट्रेट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 170 ग्राम है, सिल्वर क्लोराइड का 143.5 ग्राम है एंड सोडियम नाइट्रेट का 85 ग्राम। ओके, अब ये किस प्रोपोर्शन में रेट करेंगे, मोलर प्रोपोर्शन में रेट करेंगे, इसका एक मोल, इसके एक मोल से रेट कर रहा है, इसका एक मोल बन रहा है, इसका एक मोल बन रहा है, ये 5.85 ग्राम है तो कितने मोल हुए, 58.5 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो 0.1 मोल हुआ ना, 143.5 ग्राम दिया है तो अगर इसका ए 0.1 मोल एड किया है तो इसका कितना करेगा 0.1, इसका कितना बनेगा 0.1, इसके कितना मोल बनेंगे 0.1, इसके 0.1 मोल का भार कितना हुआ 14.35 हुआ ना, चेक करिए, इसके 0.1 मोल का भार कितना हुआ 8.5 ग्राम ही हुआ ना, तो इसका भी 0.1 मोल बनेगा कितने ग्राम 17 ग्राम। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बात वही आ गई कि हमारी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट केमिकल रिएक्शंस हैं एंड दोज केमिकल रिएक्शंस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉस जिनको हम लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बहुत ही आराम से बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं कि मास कंजर्व। आप और एग्जांपल लेके इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए।